हेलो एवरीवन, दिस इज़ हाइपरमैन और ये एक और वीडियो है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बेसिक फिनोमिना पढ़ा था ब्रेकिंग का, जाना था कि ब्रेकिंग कैसे काम करती है एंड व्हाट्स द साइंस बिहाइंड ब्रेकिंग, कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है, व्हाट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कैसे काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की कन्वर्ट की जाती है किसी और फॉर्म में ताकि गाड़ी को रोका जा सके या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जा सके। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि दो टाइप की ब्रेकिंग होती है। फर्स्ट इज फ्रिक्शन ब्रेकिंग, जो कि हम 99% गाड़ियों में यूज़ करते हैं, एंड 1% इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो ये जो वीडियो है इसमें हम स्पेसिफिकली फ्रिक्शन ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन ब्रेकिंग के बारे में जानेंगे कि फ्रिक्शन ब्रेकिंग होता क्या है और इसके कौन से मेन टाइप्स हैं। ओके, तो फ्रिक्शन ब्रेकिंग की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ फ्रिक्शन ब्रेकिंग इज टू डीएक्सेलरेट अ व्हीकल बाय ट्रांसफॉर्मिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल टू हीट वाया फ्रिक्शन एंड डिसिपेटिंग द हीट टू द सराउंडिंग। तो जैसे कि हम इस डेफिनेशन से समझ पा रहे हैं, जो पर्पस होता है फ्रिक्शन ब्रेकिंग का वो ये है कि जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल ये कार है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी विच विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी। अगर हमें इस गाड़ी को रोकना है तो हमें जो एनर्जी है इस एनर्जी को कन्वर्ट करना होगा किसी और एनर्जी के अंदर ताकि ये गाड़ी जो है रुक जाए। तो हम फ्रिक्शन ब्रेकिंग के अंदर क्या करते हैं, हम फ्रिक्शन ब्रेकिंग के अंदर वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं हीट के फॉर्म में। ओके, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक्स एक अरेंजमेंट होता है, एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है फ्रिक्शन मटेरियल का, जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट के मूविंग पार्ट्स के मोशन को इनहिबिट करता है और रोकता है, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है और वो जो सारी एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी जो है जो जनरेट हुई थी गाड़ी के मूवमेंट की वजह से, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर। ठीक है, तो ब्रेक्स क्या कर रहे हैं, ब्रेक्स बेसिकली यहाँ पे भी जैसे हमने जाना था वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एनर्जी को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और जो एनर्जी, जो हीट जो है, जो फॉर्म हुई है, जो जनरेट हुई है ड्यू टू द फ्रिक्शन, वो फिर एटमोसफेयर के अंदर घुल जाती है। कैसे घुल जाती है बताते हैं कि जब भी ब्रेक पैड्स जो हैं अगर वो इनहिबिट करेंगे मोशन को, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और वो जो टेम्परेचर है, क्योंकि हमारा एम्बियंट टेम्परेचर इस लाइक देखा जाए तो इट्स नॉर्मली 30 डिग्री सेल्सियस अगर हम लेके चलेंगे, तो फिर जो वो 300-500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो वहाँ जनरेट हुआ है वो जो है वो डेसिपेट हो जाता है एटमोसफियर के अंदर और फिर वो गाड़ी जो है रुक जाती है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ लाइक फ्रिक्शन ब्रेकिंग। अब फ्रिक्शन ब्रेकिंग के बेसिकली दो पार्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा, सबसे इफेक्टिव और सबसे लाइक मॉडर्न अगर मैं फ्रिक्शन ब्रेकिंग का टाइप देखूँ तो इट इज़ कैलिपर एंड डिस्क अरेंजमेंट। ओके, इसके अंदर बेसिकली क्या है, हर टायर के ऊपर एक डिस्क माउंट होती है। ये डिस्क जो है ये माउंट होती है और उस डिस्क के ऊपर एक कैलिपर माउंट होता है जिसके अंदर ये ब्रेक पैड्स होते हैं, फ्रिक्शन पैड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ देख पा रहे हैं ये इसका लाइक अरेंजमेंट, इसका प्रॉपर अरेंजमेंट दिखाया गया है जिसमें कैलिपर हटा के हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि जो ब्रेक पैड जो हैं ये फिक्स हैं अगेंस्ट दिस रोटर। अब होता क्या है, जब गाड़ी चलती है तो ये रोटर जो है ये गाड़ी के व्हील की स्पीड के अकॉर्डिंग, उसके व्हील की स्पीड की आरपीएम के जितना ही घूमते हैं, और जब हम यहाँ से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होता है जो इस फ्रिक्शन पैड को पुश करता है अगेंस्ट द डिस्क, द रोटर डिस्क, और यहाँ पे ड्यू टू द फ्रिक्शन हीट जनरेट होती है, और वो हीट जो है वो डेसिपेट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इतना जो है ये फ्रिक्शन मटेरियल है, क्योंकि हीट जनरेट हो रही है तो कुछ अमाउंट जो है वो इस ब्रेक पैड का वियर आउट भी होगा, और वियर आउट होगा तो उसके लिए फिर रीसरफेस हो जाता है, ये जो नीचे का सरफेस है वो एक्सपोज हो जाता है और
जो वो दोबारा ब्रेकिंग के लिए तैयार होता है। तो इसीलिए हमें ओवर द टाइम ड्यू टू द वियर हमें ब्रेक पैड भी चेंज करवाने पड़ते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क ब्रेक्स। ओके, मेन जो पार्ट है इसके अंदर वो प्ले करते हैं कैलिपर, डिस्क एंड दिस पैड्स। इसके आने वाले वीडियोस में इसको और अच्छे से जानेंगे। और इसके अलावा जो पुराने हमारे तरीके थे जिसके अंदर हम लाइक जो पुरानी गाड़ियां होती थी, ट्रक्स होते थे, उसके अंदर जो जिस तरीके के ब्रेक्स यूज होते थे, एंड दे वो ड्रम ब्रेक्स। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रम ब्रेक्स। अब ड्रम ब्रेक्स का अरेंजमेंट देख लेते हैं पहले, ये कैसे लगा होता है। ये जो है ये पूरा एक ड्रम ब्रेक है जिसके ऊपर जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड ड्रम। ये वाला जो पोर्शन देख पा रहे हैं आप, एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन है ये दीज आर ब्रेक शू, इनको ब्रेक शू कहा जाता है। और ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है दिस इज फ्रिक्शन मटेरियल। ये फ्रिक्शन मटेरियल। अब होता क्या है, जब हम गाड़ी चलाते हैं और जब हम यहाँ से ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब हम यहाँ से ब्रेक अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, तो हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो इस एक्चुएटर, ये जो है ये एक्चुएटर लगा है, इस एक्चुएटर के अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे कि ये एक्चुएटर के जो दो साइड हैं वो एक्सपेंड होंगे टूवर्ड्स आउटसाइड, और वो फोर्स करेंगे इस ब्रेक शू को कि वो जाके रिटार्ड करे द मोशन ऑफ दिस ड्रम। अब ये ड्रम है, आप देख पा रहे हैं ये ड्रम है, ड्रम का जो इनर सरफेस है ये दिस इज परफेक्टली पॉलिश्ड सरफेस, ताकि जब ब्रेक पैड इसके अगेंस्ट मूवमेंट करें तो वो स्मूथली जो है, स्मूथली एंड ग्रेजुअली जो है वो गाड़ी रुके, कहीं पे भी ब्रेक शू स्टक ना हो। स्टक होने की वजह से वो टूट सकते हैं और हिंड्रेंस क्रिएट हो सकती है, और अगर वो स्मूथ नहीं हुए तो क्या है, जिटरिंग तक जनरेट हो सकती है, वाइब्रेशंस जनरेट हो सकती हैं जिससे कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी और कंफर्ट भी कम होगा, ऊपर से अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, कभी ब्रेक लगेगी कभी नहीं लगेगी, तो जो जिस डिस्टेंस के अंदर गाड़ी रुकनी है वो नहीं रुक पाती। अगर मैं इसको और सिंपल वे में समझना चाहूँ इस अरेंजमेंट को, तो मैंने एक यहाँ पे ये एक 2D डायग्राम भी बनाया है इसको एक सिंपल तरीके से समझाने के लिए, जिसमें ये जो पार्ट है दिस इज स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये भी एक स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग क्यों लगी होती है, ये स्प्रिंग लगी होती है ताकि आफ्टर व्हेन यू रिमूव द प्रेशर फ्रॉम द ब्रेक पैडल, जो ब्रेक शू है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ पाए, अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे आ पाए, और जो व्हील है वो फ्रीली मूव कर पाए। ये स्प्रिंग उसलिए लगा है। और ये यहाँ पे ये जो दो पार्ट हैं, यहाँ से जो ब्रेक शू है वो पिवोटेड होते हैं, वो यहाँ पे लगे होते हैं, एंड दिस इज द सेंटर अबाउट विच द ब्रेक शू यू नो एक्सपेंड्स। और यहाँ पर जो है ये जो एक्चुएटर है जो हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे एक्चुएटर लगा होता है। अब होता क्या है, जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वो इस पार्ट को एक्सपेंड करता है इस डायरेक्शन में, और जब ये ब्रेक शू एक्सपेंड होते हैं तो वो इस ड्रम के इनर लाइनर के संग कांटेक्ट में आते हैं और उसके मोशन को इनहिबिट करते हैं, और जो कन्वर्जन है ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी वो स्टार्ट होता है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो डिस्क है इट इज़ एक्सपोज्ड टू एयर, मतलब ये हवा के पास में है, मतलब फ्रेश एयर के कांटेक्ट में रहती है ये जो सरफेस है, क्योंकि ये सरफेस बहुत गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है। मैंने बताया 300 से 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है, तो ये हीट अप हो जाती है। तो होता क्या है, जितना ज़्यादा हीट अप होगा डिस्क, नेक्स्ट टाइम अगर मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ब्रेक फेडिंग बढ़ जाएगी, मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा उसी गाड़ी को रोकने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये दिस इज एक्सपोज्ड टू फ्रेश एयर, तो जो एयर है वो टेम्परेचर इसका एब्जॉर्ब कर लेती है और एटमोसफेयर में डेसिपेट कर देती है, जिस वजह से ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है डिस्क ब्रेक्स की। लेकिन जहाँ मैं ड्रम ब्रेक्स देखता हूँ, तो ये दीज आर मोर इट्स इट्स अ टाइप ऑफ क्लोज्ड अरेंजमेंट,
ठीक है, जिसके अंदर लाइनर अंदर लगा हुआ है, ब्रेक शू अंदर लगे हैं, तो फ्रेश एयर या फिर लो टेम्परेचर एयर या एम्बियंट एयर अंदर नहीं आ पा रही, और जो टेम्परेचर जो है वो लोकलाइज हो जाता है, जिस वजह से हमें और अगली बार अगर ब्रेक लगाने हैं तो और फोर्स देना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे ये जो है ये है ब्रेक शू, दिस इज ब्रेक शू। ओके, ये जो पार्ट है ये ब्रेक शू है, और इसको देखा जाए जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पार्ट है यहां से यहां पे इसका एक्चुएटर लगा होता है जो कि इसको एक्सपेंड करता है। यहाँ पे ये दोनों जो पार्ट हैं वो माउंट होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग कनेक्टेड होता है। ये जो ऊपर पार्ट है ये वाला जो आप देख रहे हैं, दिस इज फ्रिक्शन मटेरियल, ये फ्रिक्शन मटेरियल है, और ये जो पार्ट है वो कांटेक्ट में आता है इस एरिया के, जिससे कि ब्रेक्स लगनी शुरू होती हैं। सो मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है चीज़ों को ताकि ईजिली समझ आ पाए, और इस वीडियो में हमने बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली ब्रेक्स का सिस्टम, जो ब्रेक्स का अरेंजमेंट है, उसको समझाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि मैं समझा चुका हूँ, और दोनों के दोनों जो टाइप हैं फ्रिक्शन ब्रेकिंग के, डिस्क ब्रेक अरेंजमेंट एंड ड्रम ब्रेक अरेंजमेंट, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस फ्रिक्शन ब्रेकिंग वर्क्स, और अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जो जानेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम जानेंगे, वो है ये फ्रिक्शन मटेरियल। ये फ्रिक्शन मटेरियल बना किस चीज़ का होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, फ्रिक्शन मॉडिफायर क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट क्यों जाते हैं इसके अंदर, और कौन से ल्यूब्रिकेंट जाते हैं, व्हाट इज़ बैकिंग प्लेट, व्हाट आर शिम्स एंड कैम्फर क्या है, इंटरमीडिएट लेयर कौन सी है, उसका रोल क्या है, किस थिकनेस पे हमें ब्रेक पैड चेंज करने चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग ही डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ताकि आने वाले टाइम में अगर एक नॉर्मल कार यूज़र है जिसको ब्रेक्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं जानना, लेकिन ये जानना है कि विच इज़ द बेस्ट टाइम टू चेंज देयर ब्रेक्स, और कितनी थिकनेस पे ब्रेक पैड चेंज होने चाहिए, तो वो उनके लिए आसानी हो जाए समझने के लिए, ऐसी भी मैं एक वीडियो लेके जाऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच। Thank you.